प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पर विश्वास खोया, आप पर संदेह करने का पाप किया है मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु विनायक ही हमारे नायक हैं, आपकी कृपा के लिए संपूर्ण काशी ललायत है, दया करें प्रभु, दया करें। प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं मायुतामात सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं लिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं मध्यमं च षष्ठं निकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं बालचंद्रं च दशमं विनायकं प्रभु, मुझे इस दुष्ट नारांतक रूपी संकट से निपटने की शक्ति प्रदान कीजिए। राजन, आपने मेरे संकट नाशक स्त्रोत का पाठ किया है, इसलिए अब आपका संकट मेरा संकट है। आप यहीं रुकिए, अब मैं इस दुष्ट का सामना करूंगा। प्रभु, इस भक्त को आपकी सहायता करने का एक अवसर तो प्रदान कीजिए। राजन, आप समझ लीजिए, आपका संकट दूर हो गया, आप निश्चिंत होकर पुत्र के विवाह की तैयारी कीजिए। अंततः तुम मेरे सामने आ ही गए बालक। अपना अंत नहीं चाहते हो तो लौट जाओ नरांतक, तुम्हारे जैसे दुष्ट पापी को पवित्र काशी नगरी में पांव रखने का भी अधिकार नहीं। तुच्छ बालक, कौन रोकेगा मुझे? तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना तुच्छ बालक, अन्यथा तुम्हें स्वयं को क्षमा करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और रही बात मुझे रोकने की, तो तुम्हारा ये काम मेरे सैनिक ही तोड़ देंगे। नहीं सैनिकों, रुको, मैंने भाता देवांतक को वचन दिया है कि इस तुच्छ बालक का वध मैं अपने हाथों से करूंगा। देखो पुत्र, मेरा हृदय बैठा जा रहा है, अनिष्ट की आशंका हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पुत्र नारंतक को फिर से ना देख सके। पुत्र, एक भूल तो वो कर चुका है, दिव्य बालक विनायक द्वारा रक्षित पवित्र नगरी काशी पर आक्रमण करने की भूल। असाधारण पुत्रों के पिता के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। नारंतक त्रिदेवों का भी सामना कर सकता है, आप निश्चित हो जाइए, वो वहां से अवश्य विजय होकर लौटेगा। पुत्र, नमस्ते। न देवताओं से, न किसी योद्धा से, इस बार उसका सामना महान और दिव्य ऋषि पुत्र विनायक से है। तो क्या हुआ माँ, नारांतक का तपोबल पर्याप्त है उसके लिए, वो बालक कितना भी प्रयास कर ले किंतु नारांतक की शक्ति को नहीं भेद सकेगा। वो
ना ही उसका स्पर्श कर सकेगा। अब शीघ्र मेरी विजय के साथ ये युद्ध समाप्त होगा। बस नरांतक, अब तुम्हारा समय आ गया है। ये क्या? ये तो अपनी शक्ति से मेरी शक्ति को बांध रहा है। ये कैसे संभव कर दिया इसने? मत भूलो उस आकाशवाणी को जिसने विनायक को तुम्हारा काल घोषित किया था। यदि वो आकाशवाणी सत्य हुई तो महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में तुम्हारी मृत्यु का कारण अवतरित हो चुका है। मुझे आकाशवाणी में नहीं, अपनी और अपने भ्राता नारांतक की शक्तियों पर विश्वास है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हम दोनों भ्राताओं की शक्तियों पर विश्वास कीजिए। नहीं पुत्र, मेरी आशंका भी बढ़ती जा रही है। तुम अभी जाओ और रोको नारांतक को, इससे पहले कि वो कोई मूर्खता करे और उसका सर्वनाश हो। अब बहुत हुआ तुच्छ बालक, अब बिना समय व्यर्थ किए एक ही बार में तेरा अंत कर दूंगा। एक ही बार में इस युद्ध का अंत चाहते थे ना नरांतक, तो लो अब मैं इस युद्ध का अंत करता हूँ। चिता चिंता होती है पिताश्री, और उस चिता की चिंता तो उस विनायक और उस काशी नरेश को होगी, क्योंकि मेरे महान पराक्रमी भ्राता उन दोनों का शीश उनके धड़ से विलक करके लौटने ही वाले होंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि। पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र जिसका भय था वही हो गया। जो कुछ भी कहा ठीक उसके विपरीत हुआ है सब। तुम्हारे अहंकार के कारण आज हमने हमारे पुत्र को खोया है। ना तुम विनायक के विरुद्ध जाते और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। तुम्हारा हट, तुम्हारी मूर्खता कारण बने हैं मेरे पुत्र के अंत के। तुमने अपने भ्राता को ही काल के मुख में ढकेल दिया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने, छीन लिया है उसका पुत्र। तुम्हारे अहंकार के कारण हमने हमारे पुत्र को खोया है। उसका पुत्र छीन लिया है तुमने। बस माता बस। पुत्र, अपने भ्राता का कुछ तो सम्मान करो, उसका अंतिम संस्कार तो होने दो पुत्र। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। क्या हुआ महारानी, अब आप क्यों चिंतित हैं? महाराज, अपने भ्राता के वध के बाद तो देवांतक और भी अपार शक्ति और बल के साथ आक्रमण करेगा, और हम, यह हमारी सेना,
अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। महारानी, जब विश्वास में अविश्वास का विष मिल जाता है तब कितना भयंकर परिणाम होता है ये हम देख चुके हैं। किंतु प्रभु ने अविश्वास का आवरण हमारे आंखों से हटा दिया है, इसलिए अभी तनिक भी चिंता किए बिना अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारांतक और देवांतक। कि मेरे महान पराक्रमी भ्राता के आगे वो बालक कदापि नहीं टिक पाएगा। जाके अंत कीजिए उस काशी नरेश और उसके साथ साथ उसके रक्षक बालक का। हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा, तो पहले मैं जाऊंगा। तुम्हारे काल का नाम है ये महोत्कट विनायक। तो क्या वास्तव में वो आकाशवाणी सत्य थी? क्या वास्तव में वो बालक हम दोनों का काल है? कौन है? क्या हो रहा है? ये सभी द्वार अपने आप क्यों खुल रहे हैं? किसकी आहट है ये? नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं। क्या हुआ देवांतक, पहचाना नहीं तुमने? मैं ही हूँ परम ब्रह्म, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे भ्राता का वध किया। मैंने कहा था उससे लौट जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, किंतु उसने मेरी एक ना सुनी। अब मैं स्वयं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। धर्म को स्वीकार करो, अधर्म का परित्याग करो, अन्यथा तुम भी अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। तुम सावधान करोगे मुझे? सावधान होने का समय तुम्हारा है। मैं भी नहीं हुआ हूँ मैं। यदि तुम सब मिलकर भी मेरे सम्मुख आओगे तब भी देवांतक तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार है। आता देवांतक, भ्राता, मेरे भ्राता नारांतक। लगता है भ्राता श्री, आपने मेरी मृत्यु को लेकर कोई बुरा स्वप्न देखा है। भ्राता आप तो कुशल हैं। हाँ भ्राता, मैं तो बिल्कुल कुशल हूँ, किंतु आप कुशल नहीं लग रहे। आपके मुख पर थकान की रेखाएं हैं। एक काम करो, स्नान करो, मन अवश्य बदल जाएगा। आओ, मैं आपकी सहायता करता हूँ। ये चंदन तुम्हें सुख पहुंचाएगा भ्राता श्री, और तुम्हारी सारी थकान को सोख भी लेगा। भ्राता देवांतक, बहुत लंबे समय से सिंहासन पर आसीन हो, अब थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। उचित कह रहे हो भ्राता, विश्राम तो चाहिए मुझे। कई दिनों से विनायक को लेकर मन में अनेक विचार आ रहे हैं, और उन विचारों को शांत करना आवश्यक है भ्राता श्री। किंतु अब
सभी समस्याओं से मुक्त होने का समय आ गया है। जाइए, आपका बिछौना तैयार है, विश्राम कर लीजिए। क्या हुआ भ्राताश्री, चौंक क्यों गए? मृत्यु के बाद चिता ही तो शैया बनती है। यही तो वो स्थान है जहां अंतिम विश्राम मिलता है। मुझे तो मिल गया। आओ आओ, अब तुम भी आ जाओ। कोई नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये मात्र एक स्वप्न है, एक पूरा स्वप्न। मृत्यु के बाद चिता ही तो शैया बनती है। यही तो वो स्थान है जहां अंतिम विश्राम मिलता है। नहीं भ्राता, विश्राम नहीं करूंगा मैं, उन दोनों को कराऊंगा। जब तक अपना प्रतिशोध पूरा नहीं कर लेता, रुकने वाला नहीं हूं मैं। आपकी चिता बुझने से पूर्व उन दोनों को चिता की अग्नि में जलने पर विवश कर दूंगा मैं। सावधान विनायक, विनायक, विनायक। असुरों ने फिर से आक्रमण कर दिया है। ये युद्ध के अंत का नाद है। प्रभु, वो दुष्ट विशाल आसुरी सेना के साथ आया है। कृपया आप मुझे और मेरी सेना को अपने साथ जाने की अनुमति दीजिए। विनायक, आज तुम्हारे और काशी नरेश के साथ काशी को भी भस्म कर दूंगा मैं। जब आप अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ सकते, तब एक भक्त आपको अकेला कैसे छोड़ सकता है? आप उचित कह रहे हैं राजन, किंतु मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरी माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मेरे उद्देश्य के संपन्न होते ही मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। उचित है माता, मैं एक बार अवश्य लौट कर आऊंगा। मुझे निराश नहीं करेगा वो, और अब उसके आने का समय हो रहा है। देवी आज 10वीं बार इस प्रकार भागकर आप द्वार पर आई हैं। क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि मेरा विनायक लौट रहा है, वो आने वाला है। जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति भक्त को एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार एक माँ भी शून्य से हमें पूर्ण करती है। वही हमारी प्रथम भगवान होती है, और माता के आशीर्वाद के साथ काशी के रक्षक भी तो मेरे साथ होंगे। माता वाराही और प्रभु काल भैरव भी मेरे साथ इन असुरों से काशी की रक्षा करेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने भाई के समान चेतावनी मिलने पर भी तुम वही कर रहे हो जो अनुचित है, जो तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा।
देवान तक नाश और सर्वनाश की चिंता नहीं करता, वो कायरों का कार्य होता है। और मैं शब्दों से नहीं, शब्द भेदी बाण से तुम्हें छलनी कर दूंगा। तुम्हारा काशी नरेश तो कदाचित मेरी सेना देकर भयभीत हो गया। देखो उनके सैनिक तो मन ही मन पराजय भी स्वीकार कर चुके हैं। मूर्ख हो तुम, और तुम्हारी मूर्खता भरा अहंकार तुम्हें भ्रमित कर रहा है। जो सत्य है वो जानते हो तुम, किंतु मानते नहीं। तुम जानते हो तुम्हारा अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसलिए ये मेरा युद्ध है जिसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मूर्ख असुर, विनायक को अकेला समझने की भूल मत करना। अहंकारी असुर, जिस प्रकार विष की एक ही बूंद कलश के संपूर्ण जल को विषाक्त कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे अहंकार ने अति विश्वास का विष तुम्हारे भीतर भर दिया है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी सेना की दुर्बलता नहीं दिखाई दे रही है, किंतु तुम्हारे अहंकार भरा अति विश्वास अभी मिट जाएगा। सेना को ही मिटाया है ना, अभी देवान तक कान थोड़ी किया है, और वो तुम कर भी नहीं सकोगे। रुकिए माता वाराही, रुकिए प्रभु काल भैरव। ये युद्ध तो मेरी नियति है, इसलिए मुझे अकेले ही इसका अंत करने की अनुमति दीजिए। मेरे मायावी अस्त्र ऐसी माया दिखाएंगे कि तुम सदा के लिए अपनी मोह माया से मुक्त हो जाओगे। देवांतक, अभी भी समय है। जिस प्रकार तुम्हारा ये मायावी अस्त्र कोई भी माया नहीं कर पाया, विफल हो गया, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास और अहंकार भी मिटने वाला है, क्योंकि सदा से यही होता आया है। बुराई पर अच्छाई की विजय, तुम्हें अपने अंतर मन की बुराई और अच्छाई के युद्ध में बुराई पर विजय पानी है, और इसके लिए यही उचित अवसर है। सुबाला, उपदेश नहीं, युद्ध करने आया हूँ। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। नायक, तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे, अपने भ्राता नारांतक के वध का प्रतिशोध। जो बार बार उचित सुझाव को नकार दे, जो बुराई और अच्छाई का भेद ज्ञात होने पर भी बुराई के मार्ग पर ही चले, जो अपनी मृत्यु सामने देखकर भी उसके मुख में प्रवेश करने को आतुर हो, वो तो बस दया का पात्र बन सकता है। Thank you.
शक्तिशाली है ये असुर, किंतु अपनी शक्ति का प्रयोग सदा बुराई के लिए ही करता है। आज तुम्हारे अंत के साथ इस युद्ध का अंत होगा बालक विनायक। प्रभु महोत्कट विनायक, इस पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? पुत्र, अब तो मेरा धीरज चुक रहा है। जब तक तुम नहीं आओगे, मैं यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मेरी दृष्टि तुम्हारे मार्ग पर टिकी रहेगी। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस युद्ध को समाप्त कर उनके पास पहुंचना चाहिए। माता, इसकी मृत्यु मेरे हाथों में नहीं, स्वयं इसके कर्मों पर आश्रित है। मैं तो मात्र अपना कर्म करते हुए इसे अवसर दे रहा हूँ, जिससे इसे अपनी त्रुटि का आभास हो जाए, अन्यथा इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। माता, माता, क्या हुआ पुत्र, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ विनायक, अपना तंत्र गवा बैठे? अब क्या करोगे? मेरे पास तो अनेकों गदाए हैं, किंतु तुम अपना दूसरा दंत कहां से लाओगे? हंस चुके देवान तक, तो सुनो, तुमने स्वयं मुझे अपने अंत का अस्त्र दे दिया। अच्छा, तो तुम्हारे दूसरे दंत से भी एक और अस्त्र बना देता हूँ। काले विपरीत बुद्धि, मैंने कहा था ना, तुम भूल कर रहे हो, किंतु ये तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल है। मैं स्वयं उसके सभी संकटों को अपना मानकर उन्हें दूर करूंगा, और जो भक्त मेरे स्त्रोत का उच्चारण 6 मास तक दिन में 3 बार भी करेगा, उसे मनोवांछित आशीष प्राप्त होगा। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान, और मोक्ष की कामना करने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। और जो पूर्ण विश्वास से 1 संपूर्ण वर्ष मेरे स्त्रोत का गायन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होंगी। किंतु अभी मेरे लिए माता की इच्छा को पूर्ण करना
सबसे अधिक आवश्यक है। जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। अतः अब मैं प्रस्थान करूंगा, किंतु मेरी कृपा दृष्टि सदा आप लोगों पर बनी रहेगी। प्रभु, फिर तो विनायक सीधे माता अदिति के पास गए होंगे। माता और पुत्र का ममता और वात्सल्य तो अपूर्व रहा होगा ना? वचन पाल कर्तव्य निष्ठा के नायक, माता से मिलने चले प्रभु श्री विनायक। माता प्रसन्नता से बौराई जाए, मार्ग तके रहे रह विनायक नाय। माता प्रतीक्षा में ऐसी अधीरा, मस्य कोई आतुर हो पाने को नीरा। मुझे पता था पुत्र तुम अवश्य आओगे। माता, आप हैं तो मैं हूँ, आपसे भला कैसे दूर रह सकता हूँ। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय। प्रणाम प्रभु श्री महागणाधिपति जी। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। विनायक, तुम्हारे अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारे लौटने का समय है। तुम्हें अपनी माता से मिलने की अनुमति नहीं, देवी अदिति, विनायक के अवतार का प्रयोजन सिद्ध हुआ, इसलिए अब उसके वहां रुकने का कोई औचित्य नहीं, उसे लौटना होगा, आपसे नहीं मिल सकेगा वो। किंतु प्रभु, मैंने माता को वचन दिया है। प्रभु, मुझे बस एक बार माता से मिलने की अनुमति दे दीजिए। बस एक बार मुझे अपने पुत्र को अपने आंचल में भर लेने दीजिए प्रभु, बस एक बार। देवी, वात्सल्य प्रेम क्या होता है, इसका अनुभव अब मुझे हो चुका है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ एक दूसरे से भेंट करने की आपकी लालसा को। इसलिए मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। विनायक, माता को दिया अपना वचन तुम अवश्य पूर्ण करोगे, किंतु अपने भविष्य के अवतार में। से मन आकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। यदि मेरे भाग्य में प्रतीक्षा ही लिखी है तो अब वही करूंगी मैं। जब तक तुम नहीं आ जाते पुत्र, इस मां के मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी, पुत्र नहीं मिलेगी। उस दिन तो माता और पुत्र नहीं मिल सके थे, परंतु उस दिन से लेकर आज तक माता प्रतिदिन अपने पुत्र विनायक की प्रतीक्षा करती हैं, इस आशा के साथ कि वो एक बार उनसे मिलने अवश्य आएगा। देखो पुत्र, तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाने की आशा में मैंने आज फिर अपने हाथों से तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। तुम आओगे ना पुत्र?
आऊंगा माता, अवश्य आऊंगा। आप बुलाएंगी तो भला आपका ये पुत्र कैसे नहीं आएगा? विनायक का दिया वचन मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। लक्ष्मी, वो माता युगों से अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। उसे अपने सामने पाकर उसे इतना प्रेम देंगी कि उस वात्सल्य से निहाल होकर कहीं मेरा पुत्र वहीं ना रुक जाए। ऐसा नहीं हो सकता देवी पार्वती, यह असंभव है। नहीं देवी, ममता की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। पुत्र गणेश युगों की आस पूर्ण करेगा एक माता की। उसे देख निहाल हो जाएगी उनकी ममता, किंतु उनकी प्रतीक्षा का अंत कहीं मेरी प्रतीक्षा का आरंभ न बन जाए। एक माता का सुख कहीं दूसरी माता की हृदय की तीस न बन जाए। माता, मैं आ गया। युग भले ही बीत जाएं, स्मृतियां भले ही धुंधली पड़ जाएं, किंतु माता के आंचल की छाया तो पुत्र के लिए वैसी ही है जैसे तप्त धरती के लिए वर्षा के मेघ, जैसे बंजर भूमि के लिए जल की धारा। माता, जब कभी भी मेरे आंखों से अश्रु छलक जाता था तो मुझसे अधिक पीड़ा तो आपके हृदय को होती थी। मेरे रूठने पर आप अधीर हो जाती थी, अपने हाथों के लड्डू खिलाकर उनमें अपने मीठे मीठे बोलों की मिठास घोलकर मुझे मनाती थी। मुझे सब स्मरण हो आया, मेरा वो बचपन, मेरा यहाँ से जाना और मेरा वचन। आ जाओ ना पुत्र, ये देखो ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाए हैं। देवी अदिति का अपार स्नेह कहीं गणेश को उनकी ममता में खोने पर विवश ना कर दे। अपने मन को शांत कीजिए देवी पार्वती। गणेश जब अपनी पूर्व अवतार की माता को नहीं भुला सका तो आप तो उसकी इस अवतार की माँ हैं। वो आपको भला कैसे भूल सकता है? पुत्र विनायक, अब और विलंब ना करो पुत्र, और मत सताओ अपनी माता को। आ जाओ ना पुत्र। आपका विनायक ही गणेश के रूप में आया है, क्या आप पहचान सकेंगी मुझे? माता, माता, युगों बीत गए पुत्र, किंतु आज भी तुम्हारी स्मृतियां धुंधली नहीं पड़ी हैं। मेरी दृष्टि को हर पल केवल तुम ही दिखाई देते हो। मेरे कानों में हर पल तुम्हारे ही मधुर शब्द सुनाई पड़ते हैं। तुम्हारे आने की आस में मैं कई बार 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 आश्रम के द्वार तक दौड़ कर पहुंच जाती हूँ। नहीं पुत्र, अब केवल मैं ही नहीं, मेरे नेत्र, मेरे कान, मेरा हृदय सब अधीर हो रहे हैं पुत्र। देखिए ना,
देवी अदिति को देखने पर से ही मेरे पुत्र की आंखें नम हो गई। कितना भावुक हो उठा है मेरा पुत्र। ये कैसी भूल हो गई मुझसे? क्यों जाने दिया मैंने अपने पुत्र को? क्यों जाने दिया? किंतु मैं रोकती भी तो कैसे रोकती? एक माँ ही तो दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। मैं समझ सकती हूँ देवी पार्वती। मुझे क्षमा कीजिए देवी, किंतु आप नहीं समझ सकती। एक माँ की दुविधा, एक माँ की चिंता, ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। देखिए, वो उस माता के पास गया है जिन्होंने युगों से अपनी ममता को सहेज कर रखा है। किंतु एक बात का तो सुख है मुझे, इस सारी ममता का भागी मेरा पुत्र गणेश बनेगा। किंतु फिर क्या होगा? भोलेनाथ के ही समान भोला है मेरा पुत्र गणेश। यदि वो उनकी ममता में रम गया तो वो वहीं रुक गया तो ये कैसी परीक्षा है मेरी ममता की? एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। इसलिए अब मैं तुम्हारे आने का विश्वास तभी करूंगी पुत्र, जब तुम मेरा आंचल पकड़कर अपनी मधुर वाणी से मुझे आवाज दोगे। माता, मैं आ गया माता। वचन पाल कर्तव्य निष्ठा के नायक, माता से मिलने चले प्रभु श्री विनायक। माता प्रसन्नता से बौराई जाए, मार्ग तक रह रह विनायक नाय। माता प्रतीक्षा में ऐसी अधीरा, मत्स्य कोई आतुर हो पानी को नीरा। विनायक, ज्योति से भर उठे नैन रीते रीते, है पुत्र दिन प्रतीक्षा के बीते। अश्रु बहाते नैन पुत्र को निहारे, गजानन इस प्रेम पर वारे वारे। यह देख पार्वती माँ भी अकुलाए, बाह पसारे ममता पुत्र को बुलाए। रुकिए देवी पार्वती, यह आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप देवी? वही देवी अदिति के आश्रम, जहाँ मेरा पुत्र गणेश
अपने पुत्र को लौटाने। उसकी माँ हूँ मैं, ये अधिकार है मेरा। दूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन माँ की ममता की डोर पुत्र को उसके पास खींच ही ले आती है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था अपनी ममता पर, अपने पुत्र विनायक पर। मुझे ज्ञात था कि तुम आओगे, अपनी माँ से मिलने अवश्य आओगे तुम। ये पुष्प कंगन तुम माता अदिति को भेंट करना, ये उन्हें अवश्य ही भाएंगे। माता, ये आपके लिए पुत्र की छोटी सी भेंट, लीजिए। तुम्हें स्मरण था पुत्र? इतने समय बाद भी तुम्हें स्मरण था? कैसे भूलता माता, आप भी तो मेरे लिए लड्डू बनाना नहीं भूली। मेरा पुत्र, कैसे भूल जाती पुत्र, अपने प्रिय पुत्र के प्रिय लड्डू कैसे भूल जाती तुम्हारी माँ। चलो, मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। ना माता, तो अब आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे मत रोकिए देवी, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं अपने पुत्र को खो दूंगी। इतना विचलित मत होइए देवी पार्वती, आप अपने पुत्र को खोएंगी नहीं, अपितु देवी अदिति की ममता से गणेश के साथ आपका संबंध और प्रगाढ़ होगा। मेरा पुत्र किसी अन्य को माता पुकार ही नहीं रहा, उन्हें ममता का वो सुख दे रहा है जिस पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है, और मैं ये सब देखने के लिए विवश हो रही हूँ देवी। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती। इसलिए मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए मुझे, जाने दीजिए। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती, आप कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती। अंततः गणेश अपनी माता से भेंट करने आ ही गए। आज तो शुभ दिन है, तो पिता को भी पुत्र का स्नेह मिलना चाहिए, या उसका अधिकार भी केवल माता को ही दोगे पुत्र? स्वामी, देखा आपने कौन आया है, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा पुत्र अवश्य आएगा। कल्याण हो पुत्र। देखिए ना, मैं आ भी गया, फिर भी माता की आंखों में आंसू हैं। पुत्र, तुम्हें यहाँ देखकर तो मेरे अश्रु भी नहीं रुक रहे, तो इस माँ को क्या समझाऊं?
माता, मेरा मन भी भर गया और पेट भी। अभी से तुमने अभी खाया ही कहाँ है? ये लो, मेरे हाथों से एक और खा लो। अब तृप्त हुआ है मेरा पुत्र। गणेश को लड्डू नहीं मोदक प्रिय है और सदैव रहेंगे, ये बात मुझसे उसकी माता से अधिक और कौन जान सकता है। आज मुझे समझ आ गया स्वामी कि ममता का भाव जब किसी माँ के हृदय में हो तो उसे अपनी संतान के समक्ष कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं चाहकर भी देवी पार्वती को ना रोक सकी। पुत्र, अपनी माँ की जिज्ञासा तो शांत करो। ये तो बताओ, इतने समय से कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे और नारांतक और देवांतक का वध कैसे किया तुमने? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम लौटते ही मुझे सब कुछ विस्तार से बताओगे, तो अब बताओ ना। माता को अभी भी लगता है कि मैं उनका विनायक ही हूँ। उन्हें तो जैसे ये आभास ही नहीं है कि मैं गणेश के रूप में नया अवतार ले चुका हूँ। बोलो ना पुत्र, शांत क्यों हो? तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाएगी। बताओ ना पुत्र। हाँ, अवश्य बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, किंतु कथा सुनने के नियम के साथ जो आपने ही बनाए थे। तो नियम ये है कि आपको भी मेरी गोद में सर रखकर उसी प्रकार विश्राम करना होगा जैसे आप मुझे अपनी गोद में लिटाकर कथा सुनाया करती थीं। मुझे ज्ञात है माता, मेरे जाने के बाद आप ठीक से सोई भी नहीं हैं, इसलिए आज ये आपके पुत्र का सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, तभी वास्तव में तृप्त होऊंगा मैं। किंतु पुत्र। नहीं माता, आप संकोच मत कीजिए। आपने मेरा कितना दुलार किया है, तो अब मेरा भी तो अधिकार बनता है आपकी सेवा का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं माता, पूरे स्वागत के साथ भीतर लाऊंगा आपको। पहले कुछ पुष्प लाता हूँ। मुझे स्मरण है माता, आपके प्रिय पुष्प कहाँ हैं? पुत्र, देखिए ना स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मेरा विनायक एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल ना हो, और ये है कि यहाँ वहाँ भाग रहा है। वो आपकी ममता है देवी, जो उसे अपने पास बिठाए रखना चाहती है, और ये इसका माता के प्रति प्रेम है जो उसे आपके लिए कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। गणेश की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो वो मेरी ओर खींचा चलाएगा। मेरा पुत्र गणेश अपने पूर्व के अवतार की माता की सेवा में इतना लीन हो गया कि उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी ही नहीं। माता माता, देखिए मैं पुष्प ले आया। देखिए माता, ये पुष्प आपको प्रिय है ना?
अब आप भीतर प्रवेश कीजिए माता। आइए ना माता। माता और पुत्र का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। जो सुख माता की सेवा में है वो सुख और कहाँ। अवतार कोई भी हो, युग कोई भी हो, गणेश पुत्र रूप में अपनी किसी भी माता की ममता को मुरझाने नहीं देगा। कितनी भाग्यशाली होती है वो संतान जिन्हें अपनी माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गणेश तो परम भाग्यशाली हैं, जिन्हें एक नहीं दो माओं की सेवा करने का आनंद मिला है। दोनों माताएं भी ऐसे पुत्र को पाकर धन्य हैं। माँ के प्रति ऐसा अद्भुत समर्पण, ऐसा अद्भुत प्रेम, माँ की ममता को सार्थक ही नहीं पूर्ण भी करता है। मैंने उचित कहा ना प्रिय? रुकिए माता, पुत्र को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आइए माता, आप इस शैया पर विश्राम कीजिए। मैं पहले आपके चरण दबाकर आपकी थकान मिटाऊंगा और साथ में ही कथा भी सुनाऊंगा। फिर शेष कथा आपका सर अपनी गोद में रखकर आपको सुलाते सुलाते सुना दूंगा। माता, मेरी प्रतीक्षा में आपकी थकी आंखें अब विश्राम करना चाहती हैं। थोड़ी देर उन्हें बंद कर लीजिए। मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब जब तक आप अपने नेत्र बंद नहीं करेंगी मैं आगे की कथा नहीं सुनाऊंगा। किंतु उसके लिए तुम्हें मेरे पास आकर बैठना होगा पुत्र। देवी पार्वती यहाँ, और विनायक ने उन्हें माँ क्यों बुलाया?
मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। ओह, तो देवी पार्वती विनायक के इस अवतार की माँ है और कदाचित अपने पुत्र को यहाँ देखकर उनसे रहा नहीं गया। ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। एक माँ ही दूसरी माँ का कष्ट समझती है। पुत्र, तुम में मैं अपने पुत्र विनायक की झलक देख रही हूँ। तुम्हें पाकर मैं अपने वात्सल्य में इतना खो गई थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे विनायक होने के साथ साथ तुम देवी पार्वती के गणेश भी हो। पुत्र, तुमने तो अपना वचन निभा दिया है। मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे मिल गया है। किंतु पुत्र, यदि मेरे सुख से दूसरी माँ दुखी हो तो ये उचित नहीं है और ना ही मुझे इसका कोई अधिकार है। तुम तो देवी पार्वती के नंदन हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है देवी पार्वती को प्रसन्न रखना। देवी पार्वती को यूं यहाँ से इस प्रकार विचलित होकर मत जाने दो। एक माँ की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। जाओ पुत्र, जाओ। माता, गणेश मेरा पुत्र, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न। जाओ पुत्र, अपनी माता को और प्रतीक्षा मत करवाओ। जग में उसे बना माता। माँ तो त्याग की मूर्ति होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो एक माँ ही कर सकती है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। मेरा पुत्र, मेरा गणेश, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी अदिति। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी। मेरा मन इतना व्याकुल था इस विचार से। नहीं देवी पार्वती, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपको आपकी ममता यहाँ ले आई है। आप तो जगत जननी हैं। ममता का सागर है आपके भीतर, फिर आप उस सागर को कैसे रोक सकती थी। ममता का सागर जो आपके भीतर है वो तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण है। सतयुग से द्वापर युग तक आपने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की और मैं तो दो पहर भी स्वयं को रोक नहीं सकी। इसलिए मैं गणेश की माता आपको ये आशीष देती हूँ। प्रत्येक संकष्टि जो गणेश की पूजा और व्रत के लिए विशेष दिवस है,
जिस दिवस मेरे पुत्र ने प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया, उस संकष्टी के दिवस गणेश आपसे मिलने इस आश्रम में अवश्य आएगा। और पुत्र गणेश, तुमने भी अपनी माता की ममता का जैसा मान रखा है वो भी अनूठा है, अद्भुत है। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें भी आशीष देती हूँ, जो भी नारी संकष्टी व्रत संपूर्ण निष्ठा से करेगी उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र, अभी तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। जाओ पुत्र, देवी पार्वती तो तुम्हारे इस अवतार की माता है, इनका पूरा अधिकार है तुम पर। और फिर जगत जननी ने तो मुझ पर एक विशेष कृपा की है, प्रत्येक संकष्टी तुम्हारा साथ मिलने का आशीष देकर मैं बड़े ही उत्साह के साथ तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी पुत्र, और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। क्या हुआ प्रिय, आप इतनी उदास क्यों हैं? भाग्यशाली होती है वो माँ जिनके आंचल की छांव में संतान पलती है। देवी अदिति और देवी पार्वती दोनों को ये सुख प्राप्त है। देखिए ना स्वामी, किस प्रकार माँ और पुत्र एक दूसरे का हाथ थामे जा रहे हैं। और अब तो संसार की सभी नारियों को जगत जननी ने आशीर्वाद भी दिया है, जो संकष्टी व्रत करेंगी उन्हें गणेश के समान आज्ञाकारी और स्नेही संतान का सुख मिलेगा। परंतु हम देवियों का क्या प्रभु, जिन्हें उन्होंने आशीष नहीं माँ बनने के सुख से वंचित रहने का अभिशाप दिया, तो क्या वो उस श्राप को लौटा कर मुझे संतान सुख का वरदान देंगे? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। बताइए ना स्वामी, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है ना आपके पास? तो उचित है जिन्हें इसका उत्तर देना चाहिए, अब ये प्रश्न भी मैं उन्हीं से पूछूंगी। प्रिय, पुत्र, तुम्हें देवी अदिति के हाथों के बने लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे थे ना? तो पुत्र, मैं सोच रही हूँ अब मैं तुम्हारे लिए मोदक बनाना बंद ही कर देती। नहीं माता, ये क्या कह रही हैं आप? लड्डू तो विनायक को भाते थे, किंतु मुझे तो आपके हाथ के मोदक ही सबसे स्वादिष्ट लगते हैं। पुत्र, मैं तो परिहास कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए मोदक अवश्य बनाऊंगी।
ये क्या हो रहा है माता? सब निस्तेज क्यों हो रहा है? प्रकृति का सौंदर्य फीका क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है देवी, क्योंकि संसार में जो शोभा की स्रोत है, जो ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है, वो अत्यंत दुखी है। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और वो उसे प्राप्त न हो, तो विचलित होना तो स्वाभाविक है देवी। ऐसा ही देवी लक्ष्मी के साथ हुआ है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। ये तो मेरी ही भूल का परिणाम है। ममता के बहाव में मैं इतना बह गई कि अपने शब्दों से देवी लक्ष्मी को आहत करती रही। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? क्या बोलकर मनाऊंगी मैं देवी लक्ष्मी को? ये तो आपको भी याद है कि संसार में कुछ भी आकार नहीं होता, इसके पीछे भी अवश्य कोई बड़ा कारण छिपा है। नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वल्विन्नं ब्रह्मासि। कारण जो भी हो स्वामी, किंतु अभी तो मुझे देवी लक्ष्मी का सामना करने से भी संकोच हो रहा है। और यदि गणेश की माँ, गणेश की माँ सुनती है? गणेश की माँ कहाँ है आप? यहाँ आइए गणेश की माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। गणेश की माँ। प्रिय, कहा ना मुझे मातृत्व का अनुभव है और ना ज्ञान। मैं नहीं समझ सकती एक माँ की ममता तो उचित है। मुझे भी मातृत्व का अनुभव प्राप्त करना है। मुझे भी माँ बनना है। क्या आप मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे सकती हैं? महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस कैसे किया? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। किंतु आप कैसे दे सकती है आशीष? आपने ही तो हमें श्रापित किया। कहिए, क्या आप अपना श्राप लौट आएंगे? कर सकती तो अवश्य करती। तो आप नहीं करेंगी? दुखी नहीं, मुझे सुखी होना है देवी पार्वती। मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त करना है। मैं उससे क्यों रहूं वंचित, बताइए आप। हे जगत जननी, आज सखी बनकर नहीं, जगत जननी के रूप में मुझे भी आशीष दीजिए। जिस प्रकार आपने गणेश की संकष्टि व्रत और पूजा करने वाली संसार की प्रत्येक नारी को आशीष दिया है, उसी प्रकार मुझे भी कृपा कर आशीष दीजिए माता।
आई है ना महेश्वरी, आप मुझे भी आशीष देंगी ना? जिस प्रकार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो आप भी जानती हैं देवी, श्राप से सभी देवियां प्रभावित हुई, केवल आप नहीं। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, उसके भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और उसे प्राप्त ना हो, तो ऐसे विचलित होना स्वाभाविक है। देवी लक्ष्मी के साथ भी यही हो रहा है, जिससे संसार प्रभावित हुए बिना कहाँ रह सकता है। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, तो भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। उसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं कार्तिकेय और गणेश। हमारे हृदय में आशा का दीप तो आपने जला दिया महादेव, किंतु इस दीप को आपके मार्गदर्शन रूपी घृत की आवश्यकता है। गणेश ही तो है वो आशा का साकार रूप, परम ब्रह्म महागणाधिपति जी का अवतार, और महागणाधिपति आशा के सर्वोच्च प्रतीक हैं। आपकी आशा के दीपक को ज्योति वही प्रदान करेंगे। विद्यार्थी लाभते विद्याम, धनार्थी लाभते धनम, पुत्रार्थी लाभते पुत्रम, मोक्षार्थी लाभते गतिम। अर्थात जो परम ब्रह्म महागणाधिपति जी की उपासना करता है, उस विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को गति, और संतान की इच्छा रखने वाले को संतान प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। उचित है महादेव, हम दोनों महागणाधिपति जी की उपासना करेंगे। भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं लिङ्गराजेन्द्रं धूम्रवर्णतथाष्टकं नवमं भागचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञयत्मधेन्द्रं न चाभिघ्नभयं तस्य प्रभु। हमें दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। हे प्रभु, हे देवव्रत, हे सिद्धिदाता, जो सभी को ज्ञान सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं, हे वरदान देने वाले वरा गणपति, मुझे भी माता बनने का वरदान प्रदान कीजिए। हे देवी लक्ष्मी, आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको विधिवत अष्ट विनायक की परिक्रमा यात्रा पूर्ण करनी होगी, क्योंकि जो भी भक्त ऐसा करता है, मैं उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करता हूँ। प्रभु, अष्ट विनायक की यात्रा करना तो मेरे लिए परम सौभाग्य होगा, परंतु आप अष्ट विनायक यात्रा की विधि का मार्गदर्शन कीजिए।
अष्ट विनायक यात्रा की विधि तो अत्यंत सरल है। इस यात्रा में पूर्ण श्रद्धा से बिना कहीं रुके और बिना कहीं और जाए यथाशक्ति से दान पुण्य करते हुए अष्ट विनायक कथा का वाचन और श्रवण के साथ सदाचार और सात्विक जीवन के नियमों पर स्थिर रहकर जहाँ से यात्रा आरंभ हो वहीं उसका अंत करना होता है। यात्रा के आरंभ और अंत में गुरुओं और ब्राह्मणों को भोज कराना भी अनिवार्य है। अब आप निष्ठा से इस यात्रा को पूर्ण कीजिए, तब आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा और अष्ट विनायक यात्रा का आरंभ मयूरेश्वर से होता है, फिर सिद्धि टेक के सिद्धि विनायक, बलालेश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मक, विघ्नेश्वर और अंत में महागणपति मंदिर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। सभी अष्ट विनायक दर्शन के उपरांत मयूरेश्वर लौटकर आप अपनी यात्रा संपन्न करेंगे और आपकी मनोवांछित कामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज से हम विधि विधान से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। सप्त ऋषियों को भोजन और दान के बाद हमारी यात्रा आरंभ होगी। गरुड़ जी, चलिए गरुड़ जी। देवी, हम मयूरेश्वर धाम के निकट हैं। यहाँ से हमें प्रभु महागणाधिपति के सभी भक्तों के समान पद यात्रा करनी चाहिए। अवश्य स्वामी, सभी भक्तों के समान इस भक्ति यात्रा में जाना तो मेरा परम सौभाग्य होगा। प्रभु मयूरेश्वर की जय। मेरी भी यही कामना है कि देवी लक्ष्मी की ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो और उन्हें भी पुत्र गणेश के समान संतान का सौभाग्य प्राप्त हो। विधि का विधान तो अटल है। स्वामी, हम मयूरेश्वर धाम पहुंच गए। अब यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होगी। मयूरेश्वर के अद्भुत रूप के बारे में मुझे बताने की कृपा कीजिए। उचित है देवी, मैं आपको प्रभु मयूरेश्वर श्री गणेश की कथा सुनाता हूं। ओम गजाननाय नमः।
आइए देवी, आसन ग्रहण कीजिए। श्री गणेशाय नमः। मयूरेश्वर भगवान की कथा इस प्रकार है। सतयुग में ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट विनायक अवतार लेने के बाद प्रभु महागणाधिपति जी त्रेता युग में ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के आश्रम में महादेव और पार्वती के पुत्र के रूप में अपने मयूरेश्वर श्री गणेश अवतार में अवतरित हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऋषि कश्यप और देवी अहिल्या सभी शिष्यों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना ज्ञान प्रदान करने के साथ धर्म का प्रचार करते थे, किंतु धर्म और अच्छाई का संतुलन बिगाड़ने अधर्म और दुष्टता का जन्म होने वाला था। भगवान अधर्म को मिटाने, अच्छाई और बुराई में संतुलन स्थापित करने के लिए ही अवतार लेते हैं देवी। और अब ऐसा समय था जब संसार में बुराई फिर अपना शीश उठाने वाली थी। शौनक ऋषि के सुझाव पर असुर राज चक्रपाणि और उनकी पत्नी उग्रा पुत्र प्राप्ति की कामना में सूर्य देव की तपस्या आरंभ कर चुके थे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। किंतु जब उनकी तपस्या उनके चरम पर पहुंची तो महारानी उग्रा से एक भूल हो गई। जब दोनों पति पत्नी को सूर्य देव के दर्शन प्राप्त होने लगे तो उनकी पत्नी सूर्य देव के तेज से इतनी प्रभावित हुई कि एक पल के लिए उन्हें सूर्य देव उनके पति के रूप में दिखने लगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। क्या हुआ प्रिय? क्षमा महाराज, क्षमा। तपस्या करते करते अचानक मुझे क्षणिक आभास हुआ जैसे आपके स्थान पर स्वयं सूर्यदेव हूं, किंतु ये उचित नहीं है। रानी उग्रा सूर्य देव के तेज से प्रभावित थी और सूर्य देव की कृपा भी उन पर हुई, किंतु रानी उग्रा की इस भूल के कारण उनका पुत्र सिंधु क्रूरता का अभिप्राय बनने जा रहा था एवं सिंधु के आतंक का अंत करने महागणाधिपति अपना मयूरेश्वर अवतार लेने जा रहे थे।